स्वाति यम्मी किचन में आज हम लोग बनाएंगे चिकन भुना विदाउट अनियन। इसके लिए क्या क्या चाहिए एक बार पहले देख लेते हैं। भुना बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहला चाहिए चिकन। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है। व्हाइट ऑयल चाहिए, टमाटर, दही, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा और गरम मसाला पाउडर, ये सबसे हम लोग बना लेंगे चिकन भुना। कढ़ाई में तेल ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। अभी हम लोग धीरे धीरे इसमें चिकन डाल देंगे। ये थोड़ा फूटेगा तो आराम आराम से आप लोग दीजिए। अभी इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। उसके पहले भूनने के पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम लोग अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसमें पानी एकदम नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भुना चिकन है। इसको 5 मिनट ऑलरेडी हो गया है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे ढेर सारा टमाटर। इसमें प्याज नहीं पड़ेगा। अभी इसको और 5-6 मिनट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। टमाटर थोड़ा नरम होने तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। इसको एकदम ढकिएगा मत, एकदम खुला ही ये बनेगा। टमाटर ऑलरेडी हम लोगों की नरम हो चुकी है। अभी हम लोग धीरे धीरे सब मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहला है लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। ये डाल के हम लोगों को इसको अच्छे से मिलाना है। 2-3 मिनट होने के बाद हम लोग इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च में हम लोग चीरा नहीं लगाएंगे, नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। अभी इसको अच्छे से धीरे धीरे हम लोगों को भूनना है। तेल ऑलरेडी हम लोगों की निकल चुकी है। अभी हम लोग जो दही था वो उसमें ऐड कर देंगे। पानी इसमें नहीं पड़ेगा इसलिए हम लोग इसमें दही ऐड किए। अभी इसको फिर से धीरे धीरे 5-10 मिनट भूनना पड़ेगा। दही ऐड करने के बाद थोड़ा सा साइड से पानी छोड़ेगा तो उसको रहने ही दीजिए। अभी आपेगा तो आप 3-4 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए। देखिए कितना अच्छे से साइड से तेल छोड़ना शुरू कर दिए है। लेकिन थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा इसलिए क्योंकि ये एकदम सूखा सूखा ही रहेगा। मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तो मेरा सब रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ये ऑलमोस्ट हो गया है। ये तंदूरी, बटर नान, गार्लिक नान, रोटी, फुलका, किसी के साथ भी अच्छा लगता है। ये ऑलमोस्ट हो गया है। अभी हम लोग इसको साफ कर देंगे। साफ करने के बाद देखने में ऐसे लगेगा। मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।